दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणकम, जय श्री कृष्ण, जय स्वामीनारायण, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान परिवार आप सभी का स्वागत करता है नई दृष्टि नई राह प्रोग्राम में। दोस्तों, क्या आपको कभी ये सवाल हुआ है कि दुनिया कैसे चलती होगी? हम सब जो हर रोज काम करते हैं वो हम खुद करते हैं या कोई और करवाता है? अगर कर्मों का सिद्धांत है तो उसका अकाउंट कौन रखता होगा? तो ऊपर कौन है जो इन सब चीजों का संचालन सुचारू रूप से करता है? सचमुच जगत चलाता कौन है? सोच में पड़ गए ना? चलिए जानते हैं इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे आत्मज्ञानी पूज्य दीपक भाई से। अच्छा, उसी तरह जिस तरह के जैसे कुदरत है, तो कुदरत में के अंदर भी क्या विचार है, क्या स्मृति है, क्या बुद्धि है? कुदरत में, कुदरत यानी संयोग स्वरूप है, और स्मृति और अहंकार की पैदाश है। अहंकार ने जो चार्ज किया वो अभी फल देता है, और कुदरत वो फल आने तक हेल्प करती है। जैसे बीज आपने डाला तो पानी है, जमीन है, खत है, प्रकाश है, हवा है, उसको अंकुरित होता है, बाद में फल फूल आते हैं। तो ये बीज में से फल तक जो प्रोसेस है वो कुदरत करती है, और कुदरत बीज बनाती नहीं है, बीज अहंकार बीज डालता है। यानी आप जब मानते मैं ही मल्थी राम हूं, मैं ही करता हूं, तो परमाणु आप चार्ज करते हो, वो चार्ज परमाणु को बीज बोला जाता है, और बीज बाद में दूसरे भाव में फल देता है। तब विचार आते हैं, वाणी निकलती है, वर्तन होता है। तो ये बीज का फल व्यवस्थित शक्ति देती है, वो व्यवस्थित यानी कुदरत की रचना, पर इस कुदरत की रचना से जो फल आया वो आपके कॉजेस की ही आपको इफेक्ट आती है। तो ये आपने कॉजेस नहीं डालते थे तो आपको इफेक्ट नहीं आती थी। तो इसके लिए कुदरत और व्यवस्थित में थोड़ा अंतर है। कुदरत संजोग इकट्ठा करती है और व्यवस्थित अपना कॉजेस के इफेक्ट, अपनी जो कॉजेस थी उसी की एग्जैक्ट इफेक्ट आती है। यानी मुक्का दाने में से मुक्की सिंह आएगी, तो ये व्यवस्थित बोला जाता है। और कुदरत दोनों को सरीखी थी, मूंग का दाना डाला और आम का बीज डाला, दोनों को कुदरत सरीखी है। और इसमें से आम का पेड़ होएगा, इसमें से मूंग के पौधा होएगा, उसके मूंग के सींग आएंगे, इसमें आम का फ्रूट आएगा। तो ये दोनों कुदरत की, कुदरत दोनों में है, और ये दोनों का व्यवस्थित अलग आया। समझ में आया ना आपको? जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं व्यवस्थित की। तो ये व्यवस्थित कैसे काम करता है? Most of the time, हम कहते हैं कि भाग्य में लिखा है वैसा ही होगा। तो क्या हमारा पुरुषार्थ का कोई मतलब है? जब पहले से सब कुछ तय है तो मेहनत करें या ना करें? चलिए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। जो कोई प्रॉब्लम हो रहा है कि किसी को प्रॉब्लम है कि जो कॉन्फ्लिक्ट दोनों के अंदर चल रहा है, तो सोचते कि हम इंटरफेयर करें तो सुलझा सकते हैं, मगर हम ऐसे सोचे कि वो जो भी हो रहा है उन दोनों का व्यवस्थित हो रहा है तो हम नहीं करेंगे, तो ऐसा ह्यूमैनिटी तो डिटोरिएट हो रहा है ना। वो लोग इन्वॉल्व करे तो सही बात है, आप हेल्प करो, पर आप बोले मैं हेल्प करूँ, चुप तुम जाओ इधर से, तो समझ लेने का उनको इंटरेस्ट नहीं, तो क्या कर सकते हो? नहीं, कोई प्रॉब्लम ऐसे, हाँ तो उसको, और देखो एक बात जरूर समझ लो, किसी एक के पक्ष में जाओगे दूसरे को नुकसान हो जाएगा। यानी बेस्ट उपाय क्या है, आप अपनी गलती देखो, आप अपनी गलती देखो, अपनी गलती देख के माफ़ी मांग के छुटा हो जाओ। हो सके तो निष्पक्षपाती जजमेंट दे सकते हो तो ही इन्वॉल्व होना, नहीं तो बोलेगा ये सही है आप गलत है, तो ये आदमी आपके साथ राग द्वेष करके बैर बांध सकता है। यानी संभालने जैसा, ये अभी कलयुग का मामला है, हाँ कि ना बोल दिया तो भी आदमी डिप्रेस हो जाता है, बैर बांध लेता है, संभाल के प्रेम से। और बेस्ट उपाय ये है कि भाई आओ सत्संग में, आओ शांति मिलेगी, धीरे धीरे खुद की गलतियाँ देखने लगेगा तो फिर उसको दुख ही मिट जाएगा हमेशा के लिए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। आज हम बात कर रहे हैं व्यवस्थित के बारे में और जान रहे हैं कि दुनिया कैसे चलती है और उसे चलाता कौन है। दोस्तों,
कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया कुदरत के कानून से चलती, क्या यह सही बात है? क्या कुदरत और व्यवस्थित शक्ति में कोई फर्क है? चलिए जानते हैं हमारे प्यारे आत्मज्ञानी से। उजरी जय सचिदन, व्यवस्थित शक्ति को किसने बनाया है? इसके बिना कुछ चलेगा कि नहीं चलेगा? ऐसा कुछ नहीं, उसके बिना कुछ चलेगा नहीं, किसी को बनाने नहीं पड़ते हैं, ये संजोग का परिणाम आता है जी। तो व्यवस्थित शक्ति यानी क्या है? ये कंप्यूटर जैसी है, कंप्यूटर में हम फीड करते हैं तो रिजल्ट आता है, ऐसे ये नेचुरल कंप्यूटर है, कुदरत का यानी जड़ शक्ति है। ये जड़ में हमने दखल किया तो रिएक्शन आता है। जैसे हम बावड़ी में गए स्टेप वेल में, वहाँ चिल्लाए तू चोर है, तो सब दीवार उसके इको आते हैं, प्रतिसाद आता है कि तू चोर है, तू चोर है, तू चोर है। ये किसने पैदा किया? यानी हमारा ही कॉज डाला था और सब संजोग मिलके परिणाम आया। ऐसे सब संजोग मिलके परिणाम आता है उसको व्यवस्थित बोला जाता है, कि हमारे ही कॉजेस कई इफेक्ट, सब संजोग मिलके हमें इफेक्ट आएगी, तो इफेक्ट हमारे ही कॉजेस की है। हम समझ जाएंगे कि हमारे कॉजेस की हमें इफेक्ट आई है और संजोग निमित्त है, हमारा ही संजोग, हमारा ही कॉजेस की हमें इफेक्ट देने के लिए संजोग सब मिलके निमित्त है, ऐसे समझने का। समझ में आया आपको? जी। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए फोन नंबर है 1-877-505-DADA extension 23। हमारी वेबसाइट है hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org। व्यवस्थित शक्ति और आत्मा दोनों में से कौन सा पावरफुल है और कैसे? दोनों अपनी अपनी जगह पावरफुल है। आत्मा अज्ञानता में है इसके लिए बंधन में आ गया, बाद में व्यवस्थित उसको नचाती है, ऐसे नचेगा। अज्ञानता से कर्म चार्ज किए और कर्म का फल भुगतने के लिए व्यवस्थित शक्ति कर्म का फल देती है। और भगवान महावीर भी हो या कृष्ण भगवान भी हो, सबको कर्म के फल भुगतने ही पड़े। हाँ, उनका पुरुषार्थ, उनकी शक्ति कहाँ थी? नए कर्म चार्ज न हो जाए, एक भी नया कर्म चार्ज न हो जाए, वहाँ शक्ति उनकी काम करते थे। और पावरफुल शक्ति थी, इसके लिए एक भी कर्म चार्ज नहीं किए, भगवान महावीर कर्म सारे कर्म के फल भुगत लिए और मोक्ष गति पाई। यानी वो पुरुषार्थ मनुष्य का है, नए कर्म चार्ज न करना और आत्मज्ञान में रह के केवल ज्ञान का पुरुषार्थ करना। तो आत्मा से बदल नहीं सकते व्यवस्थित? आत्मा शक्ति से व्यवस्थित को बदल नहीं कर सकते? नहीं नहीं, वो जरूरत नहीं है। व्यवस्थित तो कर्म फल देने वाली शक्ति है, और मैंने जितने कर्म किए हैं वो कर्म के फल भुगत लो तो मुझे मुक्ति मिलेगी, हितकारी है, उसमें क्या बदलने की जरूरत ही कहाँ आती है। जितने अभी 1000 कर्म किए तो 1000 भुगत लिए, बाद में मेरा मोक्ष हो जाएगा। तो कभी कभी वो सहन नहीं होता है ना, वो सहन नहीं होता है, वो हमारी समझ मजबूत करने की जरूरत है कि मैंने 1,000,000 का गुना किया है तो 1,000,000 भुगत लेने का, और 1,00,000 का गुना किया तो 1,00,000 भुगत लो। तो हमें ये समझ कम होने की वजह से हमें दुख लगता है। लेकिन वो कम नहीं हो सकते ज्ञान लेने के बाद? ज्ञान लेने के बाद कम कहाँ होता है? 10 किलो का पत्थर गिरने वाला है तो 10 किलो का ही शरीर के ऊपर गिरेगा, पर भीतर में जो अज्ञानता है कि मुझे बहुत दुख लग गया है तो 10 गुना दुख भुगतना पड़ेगा। और जागृति रहेगी, ओह किसको दुख होता है, किसको शरीर में वेदना होती है, मैं जुदा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो 0% सफरिंग हो सकता है, शरीर को इफेक्ट भुगतनी पड़ेगी मगर सफरिंग में चेंज हो सकता है ज्ञान के बाद। जागृति को कैसे बढ़ाएगा? दादाजी की 5 आज्ञा में रहो, ये ज्ञान कल आपने ज्ञान लिया है, लेकिन इतना नहीं रह पा रहे हैं। तो ये ज्ञान की 5 आज्ञा की जागृति से ही ये जुदापन की जागृति ज्यादा नहीं रह पा रहे हैं। हाँ, तो धीरे धीरे समझ की जरूरत है। ये क्या है कि हमने ज्ञान बीज बोया मगर उसका सत्संग रूपी पानी छाटना चाहिए, चरण विधि उसका खाद्य डालना चाहिए, और 5 आज्ञा उसका प्रोटेक्शन है। तो जितना ज्ञान मजबूत करोगे तो आपको अनुभव क्या उच्च बढ़ते जाएंगे। अभी समझ लो शरीर में दुख आता है तो मैं जागृति रखनी है कि अंजु को होता है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये यहाँ नहीं होता, यहाँ होता है, ये अशाता वेदनी का उदय कर्म है और ये अव्यापात स्वरूप मेरा है, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, तमाम संगी क्रिया सत्संग, ऐसे धीरे धीरे ज्ञान के ज्यादातर तन्मयकार हो जाते हैं। हो जाता है वो कौन हो जाता है उसको भी जानो। अंजु का अहंकार तन्मयाकार हो जाता है देहाध्यास में, वो डिस्चार्ज अहंकार है, वो फल भुगत के आगे धीरे धीरे जाएगा, खत्म होते जाएगा। लेकिन
लेकिन वो तन्मय अहंकार तन्मयकार हो रहा है वो भी अच्छा नहीं लग रहा है, वो नहीं लगता है, वो भी जानना है कि नहीं लगता है। जागृति दादा भगवान मुझे जुदापन रखने की शक्ति दो, शक्ति मांगो 10 मिनट, शक्ति मांगो और दादा भगवान के असीम जयकार बोलो और मुझे जुदा रखने की शक्ति दो, उसको जो भी अंजू को हो रहा है उसको मैं जागृति से जुदा रखो, ऐसे मुझे शक्ति दो। 3 सेंटेंस है, हे शुद्धात्मा भगवान आप जुदा हो अंजू जुदा है, हे शुद्धात्मा भगवान आप रियल हो अंजू रिलेटिव है, हे शुद्धात्मा भगवान आप परमानेंट हो अंजू टेम्पररी, ऐसे मुझे जुदापन रखने की शक्ति दो। ऐसे प्रैक्टिस बढ़ाते बढ़ाते, ये क्या है, आपको रेडीमेड सॉल्यूशन दिया है, आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने से आपको अनुभव के अंश बढ़ेंगे, जागृति बढ़ेगी और ये कर्मों धीरे धीरे क्षय होते जाएंगे। जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दुनिया चलाने वाली व्यवस्थित शक्ति की। दुनिया को नियमित चलने वाली चलाने वाली शक्ति को लोग ईश्वर कहते हैं, ईश्वर और व्यवस्थित शक्ति में क्या अंतर है? ईश्वर और व्यवस्थित शक्ति में इतना ही अंतर है, ईश्वर भी वितराग है व्यवस्थित शक्ति भी वितराग है, मगर ईश्वर अकर्ता है और व्यवस्थित शक्ति करता है, उतना ही अंतर है। सब लोग बोलते हैं क्योंकि सब लोग के पास भ्रांति दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि से देखेंगे तो गलत को ही सच्चा मान लेते हैं, और ज्ञानी तत्व दृष्टि से ज्ञान दृष्टि से बताते हैं कि जो वास्तविकता है। सब लोग कल्पित भगवान को ही व्यवस्थित बोलते हैं, उसकी कल्पना का है नहीं। भाई साहब ने बताया ना अभी जो बैठ भाई से बात हो गई, ईश्वरी परमात्मा ही अपने को भेजा है काम करने के लिए, तो फिर गाली देने वाला कौन, तो कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया है ना। ये व्यवहार जो विरोधाभासी है वो ईश्वर का काम नहीं है। ईश्वर तो जीव मात्र के बैठे हुए आत्मा, वही भगवान है, वही ईश्वर है, वही परमेश्वर है, वही परमात्मा है और ज्ञाता दृष्टा परमानंदी है। ये तो भगवान की हाजिरी में अहंकार खड़ा हो गया है और अहंकार से मन बुद्धि चित मन वचन काया की क्रिया सब चलते रहती है, वो चार्ज करता है डिस्चार्ज करता है अज्ञानता से। बाकी ईश्वर तो ज्ञाता दृष्टा है, उतना ही ईश्वर का काम है। और व्यवस्थित शक्ति संयोग स्वरूप है। जैसे आपको मैं बताऊं, एक प्रयोग नहीं, एक साइंटिस्ट रहेगा और प्रयोग करता है ना जी, तो प्रयोग और साइंटिस्ट तो अलग चीज हो गई ना जी। तो प्रयोग वो साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वो व्यवस्थित बोला जाता है, कुदरत की रचना है, और साइंटिस्ट है वो आत्मा की जगह पे समझ लो। माया और व्यवस्थित शक्ति में क्या अंतर है? माया और व्यवस्थित शक्ति, माया यानी क्या है, स्वरूप की अज्ञानता है, मैं खुद कौन हूँ नहीं जाना। इसके लिए आप बोलते मैं ही योगेंद्र हूँ, तो फर्स्ट माया ये है स्वरूप की अज्ञानता जी। उसे आगे बढ़ेगा माया, मेरी वाइफ के ऊपर माया है, मेरे बच्चे के ऊपर माया है, वो है। और उससे आगे माया किसको बोला जाता है, छल कपट को। पर मूल माया यही है, खुद की निज स्वरूप की अज्ञानता, वही सबसे बड़ी माया है। और वही माया से मैं योगेंद्र माना और रॉन्ग बिलीफ से अहंकार खड़ा हो गया है, और अहंकार बाद में मानता है मैंने ये किया मैंने वो किया, वो कर्ता भाव से कर्म बीज डालता है और कर्म बीज का फल व्यवस्थित शक्ति देती है। व्यवस्थित शक्ति कर्म फल दाता है जी। कर्म फल कौन देता है? Nobody is individually doing anything. साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कर्म का फल देते हैं जी। कर्म का बीज अहंकार ने डाला है अज्ञानता से जी। समझ में आया ना जी? जय सच्चिदानंद। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, जो सुल जाता है जिंदगी के हर सवाल को। तो दोस्तों आज हमने जाना कि कोई भी कार्य का कर्ता ना हम है ना ईश्वर है, पर बहुत सारे संजोग मिलके कार्य होता है, जिसे हम व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। दोस्तों जब हमें ये समझ में आता है तब हम जगत को निर्दोष देखने लगते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही सारे सवालों के जवाब पाने के लिए सुनना ना भूले नई दृष्टि नई राह। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें hindi.dadabhagwan.org या फिर ईमेल करें dadaonradio@us.dadabhagwan.org या फिर फोन लगाए 1-877-505-3232 extension 23। आज के लिए हमें दे इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय सच्चिदानंद। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी।